योगी सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना का किया शुभारंभ। योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते आज गोवर्धन ब्लॉक ऑफिस में पेंशन योजना के अधिकारियों के द्वारा कैंप लगाकर फार्म भी भरवाए गए तथा इस योजना के बारे में क्षेत्रीय जनता को अवगत भी कराया तथा इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनका यह कैंप गोवर्धन ब्लॉक में 7 दिन के लिए लगाया जाएगा। पेंशन योजना टीम अपने इस कैंप को जगह जगह पर लगाकर क्षेत्रीय जनता को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से रूबरू कराएंगे। अब देखना यह है कितने लोग इस योजना का लाभ उठा पाते हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर तैनात हैं आप? मैं जिला प्रोविजन कार्यालय से मैं तैनात हूँ। मेरा नाम विशाल यादव है। अभी आज के डेट में 2 तारीख का आज का मतलब ये आपका गोवर्धन ब्लॉक में दिया गया है। ये एक सप्ताह का पेंशन कैंप लग रहा है, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन का एक कैंप है यहाँ पर। तो इसमें कल का मार्ट का हमने किया था, आज का 3 तारीख का गोवर्धन में है। तो ये कैंप के लिए आए हुए हैं हम लोग यहाँ पर, और अभी प्रोसेसिंग चल रही है इसमें। जो जिनकी माताओं की पेंशन नहीं बन पा रही है या वृद्धा वाली जो हैं, उनकी पेंशन के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आवेदन हम जमा कर रहे हैं। और थोड़ी समस्या आती है कि उनकी मतलब पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए हम कैंप लगाया हम लोगों ने। और कैंप के कुछ फॉर्म आए हुए हैं, देख रहे हैं। और जिनका डोंगर नहीं लग रहा, डोंगर लगवा रहे हैं। यहाँ पर मैडम बैठी हैं, विवा जी, ये देखनी है डोंगर लगवा के। सर, अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? अभी तक तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी तो मुझसे 2-3 ही हुए हैं, क्योंकि अभी लोगों को शायद पता नहीं, जागरूक नहीं किया गया क्या है, इस वजह से वो आ नहीं पाए यहाँ पर। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। देखिए जो होता है कल का, अभी आज का यहाँ का कल का तहसील गोवर्धन का तहसील का प्रोग्राम है, और जो लोग आ जाएँ तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। जिनके बाकी छोड़ जाते हैं फॉर्म, तो वहाँ पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सर, नियम और शर्तें क्या रहेंगी? नियम शर्तें तो इसमें क्या शर्तें, कुछ नहीं है इसमें। बस ये है कि विधवा पेंशन के लिए जो दिया गया है वो 2 लाख तक का दिया गया है, और इसमें जिनका पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पति और उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, माता का और इनका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जरूरी है।